Assalamu alaikum student, how are you? A very good morning students. Student, second year English struggle about. Today we are going to discuss about the novel Goodbye Mr. Chips by James Hilton. So student, let's get started. Student, आज हम discuss करेंगे second year English के novel जो कि struggle about से belong करता है Goodbye Mr. Chips. And this is a very famous novel, a very masterpiece wrote by James Hilton. First of all, we are going to discuss about the writer. James Hilton wrote this novel 1934. 1934 में James Hilton ने यह novel लिखा within 4 days. Student, 4 दिन के अंदर यह novel लिखा James Hilton ने 1934 में. और इस पर 2 दफा cinematic movie भी बन चुकी है. Student, James Hilton हमारे 9 सितंबर 1900 को पैदा हुए and 20 दिसंबर 1954 को इनकी death हुई है. Student, he is the best English novelist, wrote several best novels. First point, student, pay attention now. इन्होंने बहुत सारे फेमस नॉवल लिखे हैं कि जो कि बहुत अच्छे हाथों हाथ बिक गए थे. मोस्ट फेमस इनका नॉवल है लॉस्ट होराइजन एंड द सेकंड वन गुडबाय मिस्टर चिप्स. इनका मोस्ट फेमस जो नॉवल है स्टूडेंट वो है लॉस्ट होराइजन एंड द सेकंड वन इज जो हम आज पढ़ेंगे गुडबाय मिस्टर चिप्स. स्टूडेंट सेकंड, इनके फादर का नाम था जॉन हिल्टन जो कि हेडमास्टर थे चैपल एंड स्कूल में. स्टूडेंट, जेम्स हिल्टन के वालिद साहब का नाम था जॉन हिल्टन जो कि चैपल एंड स्कूल में हेडमास्टर थे. And the fourth point is marriage and death. हम इनकी शादी और डेथ के बारे में बात करेंगे. Student, you know, they decided to got twice married and both divorced. इन्होंने दो शादी की, दोनों की डाइवोर्स हो गई. And second, he died by the liver cancer. जो हमारे राइटर है James Hilton, ये लीवर कैंसर को जिगर कैंसर हुआ था जिससे इनकी डेथ हुई थी. अ छोटा सा इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट. कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने इम्प्रेस हुए थे अपने टीचर से तब ये कि मास्टर पीस उन्होंने गुड बाय मिस्टर चिप्स लिखा. क्योंकि जब इन्होंने अपने टीचर से इम्प्रेस हुए तो इन्होंने टीचर की जिंदगी पर डिसाइड किया कि कुछ लिखना चाहिए. तो इन्होंने ये 4 डेज के अंदर विदिन 4 डेज 1934 में ये नॉवल लिखा. बाद में ये स्टूडेंट ये बुक की शक्ल में आया. पहले ये अखबारों वगैरह में आ चुका था. स्टूडेंट, ये लिटिल बिट इंट्रोडक्शन है अबाउट द नॉवल गुडबाय मिस्टर चिप्स अबाउट हिज राइटर जेम्स हिल्टन. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द अबाउट द मेजर एलिमेंट्स एंड गुडबाय मिस्टर चिप्स की प्रोफाइल को देखेंगे और इसके फर्स्ट चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसको डिस्कस करते हैं. सो यू हैव टू पे अटेंशन नाउ. ओके नाउ स्टूडेंट्स, we are proceeding about the novel. So student, what is novel? I already mentioned here, what is novel? Novel student, narrative work, prose fiction. Narrative work, prose fiction, that tell a story about a specific human experiences over a considerable length. Now coming to Urdu. Narrative work, कोई बयानिया काम, किसी का बयानिया work जो हम होता है, prose fiction में. Prose कहते हैं student, नसल को. And the fiction is also about the हमारी जो मनगढ़ कहानी होती है. ऐसा प्रोज वर्क जो किसी ने बयान किया हो उसको हम नसल के अंदर जब लेके आते हैं तो कुछ उसमें अपने से एलिमेंट ऐड किए जाते हैं, उसके बाद हम उसे नॉवल कहलाता है. यानी नैरेटिव वर्क प्रोज फिक्शन की सूरत में होता है. प्रोज फिक्शन वर्क जो नसल की सूरत में किया जाता है उसे हम नॉवल कहते हैं. दैट टेल अस अ स्टोरी अबाउट स्पेसिफिक ह्यूमन एक्सपीरियंसेस, जो कि हमें एक इंसान के तजर्बात और उसने जो खास काम किए उसके बारे में बताता है. Over a considerable length. और नॉवल की एक बाकायदा लेंथ होती है. कुछ नॉवल बहुत ज्यादा एक्सीडेड कर देते हैं अपनी लेंथ से भी ज्यादा, लेकिन एक इसकी जामिया लेंथ होती है जिसकी वजह से नॉवल कहा जाता है. अब होपफुली आप लोगों को समझ आएगा कि नॉवल है क्या. दोबारा इसको बता देते हैं. नॉवल क्या होता है स्टूडेंट, किसी का ऐसा किया गया काम जो बयानीय काम हो, जो प्रोज फिक्शन की सूरत में लिखा जाए, उसे हम नॉवल कहते हैं. इसी की एक स्पेसिफिक लेंथ होती है जो कि बयान बताती है कि ये एक नॉवल है. सेकेंड वन स्टूडेंट, हम पॉइंट डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल. अब स्टूडेंट, नॉवल के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? नैरेटिव, नैरेटर होता है, थीम होती है, प्लॉट होता है, सेटिंग, टोन एंड द कैरेक्टर. सो दीज आर द मेजर एलिमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ नॉवल. एक नॉवल के अंदर अच्छा हमें नैरेटर बयानिया चाहिए. नैरेटर मीन बयानिया. सेकंड थीम, उसका मर्जी ख्याल. प्लॉट, जिसके गिर्द पूरी स्टोरी घूमती हो. सेटिंग, प्रॉपर नॉवल की सेटिंग होती है, इसे प्रॉपर कैरेक्टराइजेशन की जाती है. अगर आप एक कैरेक्टर को भी अगर डाउनफॉल करते हैं तो नॉवल का तमाम जामे जो थीम होती है उसकी सेटिंग बिगड़ सकती है. टोन, नॉवल की स्पेसिफिक टोन होती है. फॉर एग्जांपल, हम जो टोन नॉवल पढ़ रहे हैं गुडबाय मिस्टर चिप्स, तो एक आप इसकी अपनी एजुकेशनल टोन है. इस तरह हाँ, कुछ रोमांटिक नॉवल होते हैं, कुछ स्टूडेंट फिक्शन नॉवल होते हैं, हर एक अपनी कुछ जासूसी नॉवल होती है. हर नॉवल की टोन होती है. एंड द लास्ट, कैरेक्टर्स. हर नॉवल के अंदर कुछ मेजर कैरेक्टर्स होते हैं, प्रोटैगनिस्ट होते हैं और कुछ छोटे मोटे एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक कैरेक्टर की सूरत तैयार करते हैं. स्टोरी कंसीडरेबल तौर पर बन जाती है. एंड थर्ड वन स्टूडेंट, व्हाट टाइप ऑफ नॉवल इज गुड बाय मिस्टर चिप्स.
जो आज हम अपना नॉवल पढ़ रहे हैं सेकेंडरी इंग्लिश का स्वर्गोदय बोर्ड का, वो नॉवल किस टाइप का है, गुड बाय मिस्टर चीप्स है, जिसको आज हम क्लैरिफाई कर रहे हैं, एलैबोरेट कर रहे हैं। इट इज अ सेमी बायोग्राफी नॉवल। स्टूडेंट यू हैव टू पे अटेंशन नाउ। अब आपको यहाँ पे अटेंशन देनी चाहिए, अच्छी सी अटेंशन देनी चाहिए। सेमी बायोग्राफिकल नॉवल मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये जो नॉवल हम पढ़ रहे हैं गुड बाय मिस्टर चीप्स, ये सेमी बायोग्राफिकल नॉवल है। नॉवल रिटन इन दी 20th सेंचुरी, ये 20वीं सदी में लिखा गया स्टूडेंट, 20th सेंचुरी में। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी पैदा होता है कि नॉवल का ओरिजिनेट कब हुआ और कब इसने स्टूडेंट अपने अरूज पर गया। तो यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगा, 18th सेंचुरी में नॉवल अपने अरूज पर गया। 18th सेंचुरी में नॉवल बहुत फला फूला, इसे बहुत अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि नॉवल हर बंदे ने खरीदना और पढ़ना शुरू कर दिया था। और बहुत सारे राइटर जो 18th सेंचुरी में नॉवल लिखे बड़े फेमस हुए हैं। 18th सेंचुरी में इसका ओरिजिनेट ज्यादा हुआ और ये बहुत ऊपर तक गया। और 20th सेंचुरी में स्टूडेंट ये नॉवल लिखा गया। इट इज अ सेमी बायोग्राफिकल नॉवल, गुड बाय मिस्टर चीप्स, नॉवल रिटन इन 20th सेंचुरी, 20वीं सदी में लिखा गया। इन फ्लैशबैक टेक्निक्स यू हैव टू पे अटेंशन, व्हाट इज फ्लैशबैक टेक्निक्स। ये नॉवल जो आपका स्टूडेंट गुड बाय मिस्टर चीप्स है, ये फ्लैशबैक टेक्निक में है। फ्लैशबैक टेक्निक का अगर हम वन वर्ड में इसको बताना चाहें तो आप कह सकते हैं रिकॉल द पास्ट, पास्ट को रिकॉल करना, याद करना, रेमिनिसेंट में जाना, नॉस्टैल्जिक मूड में जाना, तो आप ये कह सकते हैं फ्लैशबैक टेक्निक को ये कह सकते हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा डीपली बात करेंगे व्हाट इज फ्लैशबैक टेक्निक, तो स्टूडेंट इंसान के जो माइंड में तीन तरह के पार्ट्स होते हैं, तीन चीजें होती हैं, तीन हिस्से आप कह सकते हैं आपके माइंड में होते हैं। जब आप कुछ चीज पढ़ते हैं, याद करते हैं या लिखते हैं, तो वहां पे तीन तरह के प्रोसेस से गुजर के आपके माइंड में आती है और आपके माइंड में स्टोर हो जाती है। उसके सबसे पहला हमारा होता है कॉन्शियस पार्ट। जो माइंड के अंदर कुछ चीज पढ़ते हैं, नॉवल रीड आउट करते हैं या कुछ लिखते हैं, तो आपके कॉन्शियस माइंड ये जो पहला ऐसा स्टेप होता है उसमें जाती है कॉन्शियस माइंड। सेकंड होता है हमारा सबकॉन्शियस, एंड थर्ड वन होता है अनकॉन्शियस माइंड। ये तीन स्टेप होते हैं आपके माइंड के अंदर जब आप कोई नॉवल पढ़ते हैं या आप कोई चीज आपके माइंड में होती है, तो पहले आपके कॉन्शियस पे जाती है माइंड के पहले हिस्से में, सेकंड सबकॉन्शियस, एंड थर्ड वन अनकॉन्शियस माइंड में जाती है। तो ये जो नॉवल है गुड बाय मिस्टर चीप्स, इसके अंदर स्टूडेंट आपको मैं ये बात मेंशन करना चाहूंगा, जब भी मिस्टर चीप्स रिटायरमेंट के बाद क्योंकि उन्होंने पढ़ाना शुरू किया और 45 ईयर ऑलमोस्ट उन्होंने पढ़ाया तकरीबन, और आप इनकी डेट ऑफ बर्थ देख लें तकरीबन 1848 में पैदा हुए 1848 में। उसके बाद स्टूडेंट जब इन्होंने ब्रूकफील्ड ज्वाइन किया 1870 में विदर्भ मैरीविल, तो ये सारे जितने इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे, जितनी चीजें नॉवल के अंदर हैं, मिस्टर चीप्स उनको रिकॉल करते थे, उनको क्या कहते थे फ्लैशबैक टेक्निक के जरिए अपनी जो अनकॉन्शियस चीज होती थी जो बहुत पुरानी होती थी उनको सबकॉन्शियस माइंड में लाते थे, देन उसको कॉन्शियस में लाकर उनको याद करते थे और उनको वो सोचते थे। तो ये तीन स्टेप है। अगर आप इसको बैक फॉरवर्ड लेकर आए तो देखे ना, पहले स्टेप में जो बहुत दूर तक चीज चल जाती है, जो पुरानी चीज हो जाती है, जो हम 30 ईयर 35 ईयर बैक याद करते हैं, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड के पार्ट में होती है। उनको हम थोड़ा सा करीब लाते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस पार्ट में आती है, देन वो हमारे प्रेजेंट में कॉन्शियस। अब इनको इजी वर्ड्स में कह सकते हैं कॉन्शियस पार्ट होता है हमारा प्रेजेंट का, एंड सबकॉन्शियस नियर पास्ट जो अभी अभी कुछ पुरानी चीजें बनी हो, एंड थर्ड अनकॉन्शियस जो डिस्टेंट पास्ट में हमारे चल जाते हैं, जो दूर की चीजें होती है जो बहुत पुरानी हो जाती है। तो इसी तरह मिस्टर चीप्स की अपनी अनकॉन्शियस चीजों को अपने सबकॉन्शियस में लाते और फिर प्रेजेंट में कॉन्शियस पार्ट में लाते, उनको याद करके इस नॉवल के अंदर जितने आप चैप्टर पढ़ेंगे उनमें सारी चीजें इसको क्या होगी फ्लैशबैक तकनीक में मिस्टर चीप्स जो होगा। जेम्स रिटो ने बड़ा प्यारा मास्टरपीस शाहकार किया है और इस नॉवल के बहुत अच्छी टेक्निक्स और इसके अंदर बहुत अच्छी टेक्निक्स के बाद इसको बायोग्राफिकल एक टीचर की सेमी बायोग्राफिकल लाइफ के बारे में डिस्कस करके इसको मास्टरपीस शाहकार किया है। सो होपफुली स्टूडेंट आपको पता चल गया होगा व्हाट इज नॉवल, हमने नॉवल की चीजें डिस्कस कर ली हैं, अब हम इसके मेजर कैरेक्टर डिस्कस करें जो इस नॉवल के अंदर हैं गुड बाय मिस्टर चीप्स के अंदर। सो स्टूडेंट यू हैव टू पे अटेंशन नाउ। नाउ स्टूडेंट वी आर प्रोसीडिंग टू द कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर हैं मिस्टर चीप्स से, अब हम उनको डिस्कस करेंगे और लिटिल बिट इंट्रोडक्शन हर कैरेक्टर का हम साथ साथ करते जाएंगे। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं मिस्टर चीपिंग की। हमारे नॉवल के अंदर मिस्टर चीपिंग, मिस्टर चीप्स का असल नाम था, प्यार से स्टूडेंट को मिस्टर चीप्स कहते थे, अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, हमारा प्रोटैगनिस्ट भी है, सारा नॉवल मिस्टर चीप्स से कुछ घूम गया। उनके असल नाम था मिस्टर चीपिंग। सेकंड कैथरीन ब्राइस, जिसे वो कैथी भी प्यार से कहते थे इस नॉवल के अंदर। कैथरीन का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। स्टूडेंट कैथरीन मिस्टर चीप्स से मिली फर्स्ट टाइम वॉस जेल के पहाड़ पर, दोनों के वहां पे पहली फर्स्ट मुलाकात हुई, बाद में इन दोनों ने शादी की 1896 में। लेकिन शादी के फौरन 2 साल बाद ही स्टूडेंट कैथरीन की डेथ हो गई चाइल्ड बर्थ के दौरान, और मिस्टर चीप्स बाद में फिर एक टिपिकल बैचलर के तौर पर मशहूर हो गए। स्टूडेंट उनको कहना शुरू कर दिया टिपिकल बैचलर, क्योंकि इसका रोल कैथरीन का मिस्टर चीप्स की लाइफ में सिर्फ 2 साल ही रहा। उसके बाद थर्ड कैरेक्टर है मिसेस विकेट। स्टूडेंट ये वो कैरेक्टर है मिसेस विकेट जिसके घर में सारा नॉवल मिस्टर चीप्स का, जो एक तरह से हम कह देते हैं मिसेस चीप्स की रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सारी लाइफ यही गुजारी मिसेस विकेट के घर में,
एक्चुअली मिसेस विकेट खुद ब्रुकफील्ड से रिटायर्ड थी। ये लाइनर रूम की अनचार्ज थी मिसेस विकेट और बाद में मिस्टर चिप अक्रॉस द रोड क्रॉस करके आफ्टर रिटायरमेंट इनके घर में पेइंग गेस्ट रहा करते थे। एंड द फोर्थ वन इज डॉक्टर मैरीवेल। ये मिस्टर चिप्स के दोस्त थे जो फोर्थ नाइटली आफ्टर 14 डेज 14 दिन के बाद मिस्टर चिप्स का चेकअप करने आया करते थे। एंड द फिफ्थ वन इज मिस्टर विदर बाई जो थे हमारे स्टूडेंट ये हेडमास्टर थे। तो सबसे पहले जिन्होंने मिस्टर चिप्स का इंटरव्यू लिया 1870 को जब उन्होंने ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया आफ्टर मेलबरी। यहाँ पे एक चीज मेंशन करूंगा मिस्टर चिप्स ने एक साल मेलबरी में भी लगाया था जहां पर कुछ इनके डिसिप्लिन इश्यू बने थे बच्चों से। देन मिस्टर चिप्स ने यहाँ पर ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया और फर्स्ट हेडमास्टर विदर बाई ने उनका इंटरव्यू लिया 1870 को जुलाई के अंदर। बड़ा इंपोर्टेंट फैक्टर है हमारे फर्स्ट हेडमास्टर ऑफ ब्रुकफील्ड। एंड द सिक्स्थ वन इज कोले। कोले स्टूडेंट वो पहला स्टूडेंट था जिसका मिस्टर चिप से कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उनको मिस्टर चिप ने सजा भी दी थी। इनका जिक्र फर्स्ट चैप्टर में मिलेगा कोले का रेड हेयर बॉयज। इनको मिस्टर चिप ने सजा दी थी 100 लाइन लिखने के लिए फर्स्ट चैप्टर के अंदर कोले बॉयज को। एंड सेवन वन इज मिस्टर वेल्डन। मिस्टर मेल्टन स्टूडेंट मेल्टन जो थे ये भी हेडमास्टर थे। ये मिस्टर विदर बाई की डेथ के फौरन बाद मिस्टर मेल्टन हेडमास्टर बने थे ब्रुकफील्ड स्कूल के। उनके बाद आए रॉल्सन। ये स्टूडेंट मैं यहाँ पे स्टार्डल आ रहा हूँ रॉल्सन का। इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, झगड़ा हुआ था मिस्टर चिप्स के साथ जो बड़ा फेमस हुआ था रॉल्सन के साथ। इन्होंने पहले दिन जब क्लास ली थी रॉल्सन ने जब हेडमास्टर आए थे तो उन्होंने अपनी आई ब्रोज उठाई थी और पूरे हाल में सन्नाटा हो गया था। एक काफी सख्त तबीयत के हेडमास्टर थे। उसके बाद स्टूडेंट आए चैटर्स। चैटर्स मिस्टर चिप्स के बहुत अच्छे जाने वाले स्टूडेंट भी रह चुके थे और चैटर्स ने क्या किया मिस्टर चिप्स को रीज्वाइन करने पर मजबूर किया क्योंकि मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट ले चुके थे रॉल्सन के कॉन्फ्लिक्ट के बाद। लेकिन जब चैटर्स हेडमास्टर आए तो चैटर्स ने मिस्टर चिप्स को दोबारा रीज्वाइन करने का कहा जो मिस्टर चिप्स ने रीज्वाइन कर लिया। याद रहे यहाँ मिस्टर चिप्स दो दफा एक्टिंग हेड बनते हैं, एक दफा पहले मेल्ड्रम के दौर में जब मेल्ड्रम जाता है और उसके बाद जब चैटर्स उनको रीज्वाइन कराता है तो दोबारा 1930 में वो यहाँ पे आकर ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट हमारे नेक्स्ट हेडमास्टर आते हैं जॉन रेवर्स, सर जॉन रेवर्स। ये भी मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट होते हैं और ये काफी फेमस पर्सनैलिटी होते हैं क्योंकि ये एक तरह से गवर्नर भी कर रहे होते हैं, ये ब्रुकफील्ड को चला भी रहे होते हैं, उनके मालिक बन जाते हैं एक तरह से आप समझ लें। तो जब मिस्टर चिप्स को ब्रुकफील्ड स्कूल से निकाला जा रहा होता है तो ये उनको कहते हैं आप अगले 100 साल भी यहाँ पढ़ा सकते हैं सर जॉन रेवर्स, क्योंकि मिस्टर चिप्स के स्टूडेंट रह चुके होते हैं। एंड सेकंड वन इज मिस्टर कॉर्टराइट। कॉर्टराइट भी यहाँ पे हेडमास्टर आते हैं जो सर जॉन रेवर्स के बाद आते हैं, तकरीबन मिस्टर चिप्स के दौर में लास्ट हेडमास्टर मिस्टर कॉर्टराइट होते हैं। स्टूडेंट एक सीरीज चल रही है हेडमास्टर्स की। पहले हेडमास्टर मैं यहाँ पे साइन निकालता हूँ मिस्टर विदर बाई के बाद आते हैं मेल्ड्रम, मेल्ड्रम के बाद आते हैं रॉल्सन, रॉल्सन के बाद चैटर्स एंड सर जॉन रेवर्स एंड कॉर्टराइट। दीज आर 5 पर्सनैलिटी। ये 5 लोग हैं जो मिस्टर चिप और मिस्टर चिप खुद 2 दफा एक्टिंग हेड ब्रुकफील्ड में रह चुके थे। तो ये 5 हेडमास्टर आते हैं मिस्टर चिप्स के दौर में। उसके बाद लास्ट में लिखा हुआ है लिनफोर्ड अ लास्ट बॉय। अब इसका स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। लिनफोर्ड ही वही लास्ट स्टूडेंट था जो मिस्टर चिप्स से लास्ट टाइम मिला और इसी ने कुछ ऐसे अल्फाज कहते हैं जो आपको स्टोरी पढ़ने पर पता चल जाएंगे। लिनफोर्ड अ लास्ट बॉय ठीक है हु मेट विद द मिस्टर चिप्स, जो मिस्टर चिप्स से मिला था। इसका भी इंपॉर्टेंट रोल है लास्ट चैप्टर में, इसका नाम मिलेगा लिनफोर्ड कौन था उसने क्या किया। ये स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जो कि मिस्टर चिप्स के चैप्टर में हम पढ़ेंगे। होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे, मैं इसलिए उर्दू में इनको एलैबोरेट कर दिया है। और लास्ट हम कहेंगे सेटिंग की बात करेंगे। सेटिंग क्या है ब्रुकफील्ड अ ग्रामर स्कूल। ब्रुकफील्ड एक सेकंड स्टैंडर्ड का ग्रामर स्कूल था, लंदन का फेमस स्कूल। ये सेकंड दर्जे का था, इतना फेमस भी नहीं था और इतना बुरा भी नहीं था। सेकंड स्टैंडर्ड दूसरे दर्जे का ग्रामर स्कूल था ब्रुकफील्ड। सारा जो नावल है इसी के गिर्द घूमता है इसी स्कूल के। एंड मिसेज विकेट जो लाइनर रूम के चार्ज थी अक्रॉस द रोड ब्रुकफील्ड के सामने रोड क्रॉस करके इनका घर था और इन्हीं के घर में मिस्टर चिप्स एक कमरे में पेन गैस के रेगुलर पे रहते थे और सारा यहाँ पे उन्हें अपनी सेटिंग नॉवल की यहीं पे बच्चों से मिला करते थे। तो होपफुली आपको कैरेक्टर भी समझ आए होंगे, इंट्रोडक्शन भी समझ आ गया होगा, हमने नॉवल को भी डिस्कस कर लिया है। आप स्टूडेंट अब इसको प्रोसीड करेंगे आगे, इसके चैप्टर 1 चैप्टर 2 टोटल 18 चैप्टर है इस नॉवल के अंदर। तो हर चैप्टर के हम प्रोफाइल भी बनाते जाएंगे, साथ साथ इसको डिस्कस भी करते जाएंगे और अपने अगले लेक्चर में आप मिस्टर चिप्स को हम अच्छे तरीके से एलैबोरेट क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था नॉवल क्या है, उसका कैरेक्टर क्या है, गुड बाय मिस्टर चिप्स के। होपफुली आपको समझ आ चुके होंगे स्टूडेंट। अब इजाजत चाहता हूँ, इजाजत है स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच।